ओम शांति, ओम शांति। अगर किसी ने आकर के आपको गाली दिया तो आप ऐसे समझिएगा, ये तो किसको बोल रहे हैं? पड़ोसी मंजुनाथ, मेरा नाम से मैं बोल रहा हूँ उदाहरण, ये तो पड़ोसी मंजुनाथ को बोल रहे हैं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये मेरा प्रकृति और उनके प्रकृति के बीच का पेंडिंग अकाउंट था, वो क्लियर हो गया, मुझे कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि मैं अंतर में कौन हूँ? शुद्ध आत्मा। ये जागृति आपको उस समय आ गया जब कर्म का खाता आपके सामने आता है, तो आप कर्म के बंधन में नहीं फंसते, आप आत्मा की जागृति में आ गया तो आपका पेंडिंग अकाउंट क्लियर हो जाता है, और आपका अकाउंट में क्या जम जाता है? प्लस। जो कर्म निस्वार्थ होता है, जो कर्म निमित्त भाव होता है, जो कर्म निष्काम होता है, जो कर्म कुछ भी पल का अपेक्षा नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, वो सब पुण्य कर्म में ऐड होता जाता है। किसमें ऐड हो जाता है? पुण्य कर्म। देखो दुनिया में भी आपने देखा होगा, कोई मंदिर में कुछ ना कुछ दान दिया, कोई फैन देता है, कोई लाइट देता है, उसके ऊपर उसका नाम होता है, देख रहा है? किसी ने मुझे शेयर किया, शमशान में कोई ये पत्थर की कुर्सियां उधर इंस्टॉल करते, वो शमशान ने भी उसका दान का नाम दिया है। तो देखो कितना रिटर्न देने का भाव होता है, वैसे सेवा को पुण्य नहीं है। सारे संसार आप घूम करके आपको, हमारा एक ही बाबा का घर है, हमारा एक ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो करता है 5 रुपए करता है, 5 करोड़ करता है, कहां भी नाम नहीं है। इसलिए कि इस सेवा को गुप्तान कहते हैं, इसलिए इसको पुण्य कर्म में गिना जाता है। पुण्य का मतलब होता है कोई तरह का भी अपेक्षाएं नहीं होता है, कामनाएं नहीं होता है, जो करता है राइट हैंड से जो करता है लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलता है। ऐसे कर्म को क्या कहा जाता है? पुण्य कर्म। कर्म जो करते हैं उसके अकाउंट में क्या ऐड होता रहता है? प्लस प्लस प्लस।